हेलो दोस्तों, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2023 आप सभी का एग्ज़ाम है। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आप सभी का एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड भी जो इंतज़ार था वो खत्म हो चुका है, यानी एडमिट कार्ड भी जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। और अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हमें ऐसा पेपर बताइए जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है हुबहू में सीईटी के पेपर, यानी आपका एक एग्ज़ाम है 4 फरवरी को है, ठीक है। यहाँ पर 4 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम का जो पेपर है, ठीक है। एग्जाम सबसे पहले हम बात करेंगे, 2 पारियों में एग्जाम जो है यहां पर आयोजित होगा, यानी 4 फरवरी की 2 पारी होगी, यहां पर एक 5 फरवरी की 2 पारी होगी और एक 11 फरवरी को एग्जाम रखा गया है। यानी इनमें 2-2 पारी, यानी कुल 6 पारियों में एग्जाम आयोजित किया जाएगा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। आज हम इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो साइंस से हैं, कंप्यूटर बेसिक और भी जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आप सभी के लिए क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पारियाँ हैं, एक जो पारी है वो यहाँ पर, जो सेकेंड पारी है वो यहाँ पर 2:30 से यहाँ पर 5:30 तक रहने वाली है, यानी 3 घंटे का समय यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 घंटे का समय रहेगा। 300 मार्क्स का जो आपका पेपर रहेगा, और 300 मार्क्स का पेपर आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने होंगे। किसी भी प्रकार की नकारात्मक जो अंकन है, जो नेगेटिव मार्किंग है, वो नहीं होगी। सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपके मार्क्स अच्छे आने वाले, आपको सांस लगते हैं, आपको 150 में से 150 क्वेश्चंस करके आना अनिवार्य है। तो बिना किसी देरी के हम सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चंस है, किसी धातु को पाषाण सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सीटी 12th लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बना हुआ है, जो कि आपको हुबहू 4 फरवरी या 5 फरवरी या 11 फरवरी के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न मिल सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा अधिक विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अधिक विशिष्ट ऊष्मा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है। जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो किससे बनता है, तांबा से बनता है या फिर नाइकोम से बनता है या फिर सीसा से बनता है या फिर टंगस्टन से बनता है, किससे बनता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो एग्जाम के क्वेश्चंस है, ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्यूशंस करवा रहा हूं, ये के ये क्वेश्चंस आपको हुबहू सीईटी 4 फरवरी या 5 फरवरी या 11 फरवरी के पेपर में आपको हुबहू ये प्रश्न मिलने वाला है, अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर आप देख सकते हैं, एक फोटो शेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी, तो विद्युत ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसको, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को, तो विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि साइंस से जुड़े हुए हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा बनाने के लिए, किस इस सिद्धांत को जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वैद्युत मोटर बनाने के लिए, ठीक है, विद्युत मोटर बनाने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूरेनियम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, रसिक प्रिया रचना है, यानी आपके कुछ हिंदी ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस है वो भी आपको सीईटी के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जो यहाँ पर हिंदी से है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, रसिक प्रिया रचना है, ठीक है। तो रसिक प्रिया जो रचना है वो किस की है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। तो महाराणा कुंभा की कौन सी है, रसिक प्रिया रचना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था, काफी जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बार बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अजय राज जो है ऐसा चौहान शासक था जिसने अजमेर नगर की क्या की थी, स्थापना की थी।
अब बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट है कि इंग्लिश में पेपर आएगा हिंदी में, तो दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको पेपर जो है, दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ये आप सभी के लिए श्योर है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है चाहे हिंदी मीडियम का, दोनों के लिए सिंपल रहेगा। कानव जो देव था उसका प्रबंध रचना है, तो उसकी प्रबंध जो रचना है वो कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो पद्यनाद कौन सी हो जाएगी, पद्यनाद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी अ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में गुलाम कलंदर का मकबरा जो है, ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में गुलाब कलंदर का जो मकबरा जो है वो कहां स्थित है, तो जोधपुर में है। कहां पर है, जोधपुर में जो है राजस्थान का गुलाब कलंदर का मकबरा स्थित है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं शेरगढ़ का दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में है, जो शेरगढ़ का जो दुर्ग है वो कौन से जिले में है, तो बारा जिले में है, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा त्यौहार गर्मी के मौसम की समाप्ति तथा वर्षा के आगमन के समय आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, कौन सा हो जाएगा, जो तीज होगी, ठीक है तीज जो होगी वो कौन सा ऐसा त्यौहार है जो गर्मी के मौसम की समाप्ति में और वर्षा के आगमन के समय जो है आता है, तो वो तीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है, कौन सा मेला है जिस पर भारत सरकार ने 1988 में क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी, तो वो कौन सा मेला है जिस पर रोक लगा दी गई थी, रेड लगाई गई थी 1988 में, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इस का आंसर हो जाएगा रानी सती का मेला, ठीक है। तो जब यहाँ पर रानी सती के मेले की बात आती है तो यहाँ पर आ सकता है ऐसा कौन सा मेला है, ठीक है ऐसा कौन सा मेला है जिस पर 1988 में रोक लगा दी गई थी, जो रानी सती का मेला है वो कौन से जिले में है, तो वो हो जाएगा झुंझुनू जिले में है, कौन सा, झुंझुनू जिला। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लूणावासी मंदिर कहाँ स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, लूणावासी का मंदिर तो माउंट आबू, कहाँ पर है, माउंट आबू में, ये इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं सुलगिरी का जो संबंध है, सुलगिरी का जो संबंध है वो कौन से धर्म से है, तो वो जैन धर्म से है, ठीक है सुलगिरी का जो संबंध है वो जैन धर्म से हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी करके इस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया था, तो वो कौन सा मंदिर है जिस पर अध्यादेश, ठीक है तुरंत आदेश जारी किया गया था, जिस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो मंदिर हो जाएगा सावलिया जी का मंदिर है, ट्रस्ट चित्तौड़गढ़ का है, जिस पर अध्यादेश जारी करके उस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण कर लिया गया था। नेक्स्ट यहां पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में काफी मिलने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण लेना है। देखो इनपुट, इनपुट यानी हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमें जो सिस्टम है क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा प्लॉटर, क्या हो जाएगा प्लॉटर, प्लॉटर जो है यहाँ पर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक प्रिंटर है, तो यहाँ पर प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, बाकी स्कैनर टेप और सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइसेस हो जाएगी। और सबसे जो तेज जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है, तो वो सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है सुपर कंप्यूटर सबसे तीव्र गति के कंप्यूटर होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बेसिक जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिखेंगे। सरकारी संस्थाओं, बड़ी व्यवसाय फर्म और बिजनेस ऑपरेशन के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण जो घटक है वो सभी है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, यूटिलिटी हो, चाहे डिवाइस ड्राइवर हो, ऑल ऑफ द एबव जो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल जो प्रिंटर है उसको किसका प्रकार है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर लगेंगे, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के ही जो उदाहरण जो है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो है डिजिटल प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी की मैं होती हैं, यानी प्राइमरी जो की है वो कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, तो यूनिक जो वैल्यूज़ है,
वो प्राइमरी की में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, यानी तीनों ही का ही उपयोग किया जाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ AI, AI का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी यहाँ पर इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप सभी के लिए क्वेश्चन है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं, डी रैम, सुपर रैम, स्टैटिक रैम या ए और सी, इस सभी का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और टॉप थ्री जो कमेंटर होंगे, जो फर्स्ट में आंसर देंगे, उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। इस वीडियो को आपको जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सीईटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बेसिक कंप्यूटर से, साइंस से, जीके से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी और भी आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें सीईटी एग्जाम के जितने भी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका सॉल्यूशंस लिया जाएगा। थैंक्स।